Hello friends, this is Sunil from Ads Optimizer. Friends, आज के इस सेशन में लर्न करने वाले हैं ऑर्फन आर्टिकल ऑफ विकिपीडिया. ऑर्फन आर्टिकल का जो टर्म है विकिपीडिया का, वो क्या होता है, ये क्यों होता है, एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू फिक्स दिस. सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. फ्रेंड्स, सिंपली अभी मैंने सोर्स करा था विकिपीडिया पे, सॉरी गूगल पे, विकिपीडिया ऑर्फन आर्टिकल. सो यहाँ पे गिवन है, एन आर्टिकल इज ऑफेंड इफ नो अदर आर्टिकल्स लिंक टू इट. तो बेसिकली बहुत ही सिंपल फ्रेंड है कि एक ऐसा आर्टिकल जिसमें कोई अदर आर्टिकल जो है लिंक्ड नहीं है, तो उसको विकिपीडिया बोलता है कि ऑर्फन आर्टिकल है. बट ये क्यों था, देखो यहाँ पे लिखा है कि अर्ली डेज में क्या होता था कि एडिटर्स ऐड कर देते थे एंड या उसको मार्क कर देते थे ऑर्फन आर्टिकल. अगर आप करेंट के डेट में किसी आप लिविंग पर्सन का आप कोई आर्टिकल विकिपीडिया पे सबमिट करते हो एंड इफ़ यू हैव इनफ लिंक्स, तो भी ये वाला जो है ऑर्फिन का जो टर्म है वो आपके कंटेंट पे आ सकता है, आर्टिकल पे आ सकता है. तो इसका क्या सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने देखा है इवन कि आई मैं भी जब हमने करा था, तो इवन हमारे पास वी हैड अप्रोक्स 30 लिंक्स एंड वो भी टॉप लेवल के न्यूज़पेपर जो होते हैं उसमें का था एंड रिलेटेड आर्टिकल्स भी था जिससे हमने लिंक करा था, तो भी हमें ये ऑर्फन मिला था. सो मैंने तो वो सॉर्ट कर लिया. बट लाइक अगर आप अभी करेंट में कुछ सबमिट करते हो तो ये कैसे सॉर्ट करोगे फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, मैं ये बोलूँगा अगर ऐसा कुछ आपके कंटेंट में आता है, अगर आपने कोई आर्टिकल सबमिट करा उसमें आता है ऑफ आर्टिकल, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा मीन्स 1 महीने या 2 महीने का भी पेशेंस रखना पड़ सकता है. रीज़न क्या है कि पहले जब आप 2021 के मिड तक भी आप जो आप आर्टिकल पब्लिश करते थे वो 24 to 48 आवर्स में रिप्लाई आ जाता था. बट अभी क्या होता है, वो अंडर द क्यू चला जाता है एंड 4 मंथ्स का जो है टाइम लग जाता है उसका रिजल्ट आने में. एंड अगर 4 मंथ्स के बाद में भी अगर आता है ऑर्फन ऑर्फन आता है कुछ आपके आर्टिकल पे, ऑर्फन ऑन योर आर्टिकल, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. एंड ऑर्फन आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपको क्या करना है, आपको करना है आपको एक नई वे वे टू सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस क्या है वे, आपको एक न्यू विकी की आईडी आपको क्रिएट करनी है. आपको एक न्यू विकिपीडिया की आईडी क्रिएट करनी है. आईडी क्रिएट करने के बाद से आपको क्या करना है कि जब वो आईडी एटलीस्ट 7 to 8 डेज ओल्ड हो जाए, एट लिस्ट द आईडी शुड हैव 7 to 10 डेज ओल्ड, देन उससे क्या करना है, उस वाले आईडी से आपको वो जो लिंक्स हैं, कुछ लिंक्स आपको ऐड करने हैं एंड वो जो ऑर्फन का जो टर्म होता है, आप किसी भी कंटेंट में जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, तो वहाँ से आपको रिमूव करके आपको नीचे आते हैं कि आप क्यों रिमूव कर रहे हो, तो वो आप एक जर्निक सा पॉइंट डाल के आपको वो सबमिट करना है. मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमने विकिपीडिया यहाँ पे सर्च करा, इंग्लिश ले लेते हैं,
मान लीजिए मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स लेट से कि ये वो आर्टिकल नहीं है जिसमें हमने करा था, जस्ट मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैं आर्टिकल यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो मैं किसी कंट्री के नेम से ले लेता हूँ, अदरवाइज आप लोगों को डाउट हो जाएगा कि वो पर्सन है। मान लीजिए कि ये किसी लिविंग पर्सन का है, और यहाँ पे जैसे जहाँ पे आर्टिकल टॉक लिखा रहा है इसके नीचे आ जाएगा ऑर्फन आर्टिकल। तो करना क्या होता है, आपने आपने यहाँ पे आता है लॉगिन करने के बाद से यहाँ पे व्यू सोर्स आता है ना, यहाँ पे एडिट सोर्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो एडिट सोर्स पे आपको क्लिक करने के बाद से देखिए जैसे ये आ गया ना, तो यहाँ पे जो ऑर्फेन का जो टर्म होगा आपने उसे आपने डिलीट करना होगा। तो ये करना होता है, डिलीट करने के बाद से जब आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद नीचे आता है टर्म आता है, जिन्होंने करा होगा उनको पता है। तो वहाँ पे एक जेनिक सा कंटेंट लिखना होता है कि ये आप क्यों रिमूव कर रहे हैं, एंड सबमिट करने के बाद से आपको वेट करना होता है। फ्रेंड्स हो सकता है मे बी कि वो उसके ऊपर रिप्लाई आने में टाइम लग जाए, अगर उसके बाद भी अगर वो सॉर्ट नहीं होता है तो आपको वेट करना होगा 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, आपको वेट करना होगा। बिल्कुल हरी में मत रहना, आप ऐसा मत समझना कि आपने सबमिट करा और अभी तो रिमूव हो गया, बट 2 दिन के बाद वो दोबारा आ सकता है। तो ये आ सकता है, अगर लिंक ऐड करने के बाद आपको रिमूव करना है, रिमूव ऑर्फन टैग करने, एंड उसके बाद से आपको फोर्थ में सबमिट करनी है विथ जेनरिक मार्क्स, जेनरिक एंड रेलिवेंट मार्क्स। तो सबमिट करने के बाद आपको वेट करना है, वेट आप नेक्स्ट डे आप चेक कर लेना, नेक्स्ट डे वेट करने, एंड आपको वन टू टी आफ्टर 1 टू 2 डेज आपको चेक करना है, एंड अगर वो फिक्स हो जाता है तो वेल गुड न्यूज़ फॉर यू, एंड अगर वो सॉर्ट नहीं होता है तो फ्रेंड्स आपको फिर आपको 15-20 दिन आपको वेट करना चाहिए, एंड वेट करने के बाद आप मीनवाइल एक और आईडी बना ले आप, और आईडी बनाने के बाद से 15-20 दिन बाद या 1 महीने के बाद आप दोबारा आप सबमिट करोगे तो डेफिनेटली अगेन वो टाइम लेगा और वो रिमूव हो जाएगा। फ्रेंड्स इट्स अ ट्रू, ये मैंने करा है, मैं आपको आर्टिकल नहीं दिखा सकता क्योंकि ये वो दैट इज अगेंस्ट गाइडलाइन ऑफ विकिपीडिया, सो मैं नहीं दिखा सकता, बट ये मैंने एक्सपीरियंस करा है, सो मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर करा है। फ्रेंड्स अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो अभी लेबल पर्सन का आर्टिकल सबमिट कर रहे हैं तो उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, ऐसा जैसे मैंने अभी बताया है वो फॉलो करें, डेफिनेटली वो सॉर्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज कमेंट बिलो, एंड फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब फॉर सपोर्ट। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।